मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं का एक बार फिर से डेली रोजगार की एक और नई वीडियो पर स्वागत है, क्योंकि एक बार फिर से हम लाडली बहना योजना से जुड़ी काफ़ी बड़ी अपडेट आप सभी तक साझा करने वाले हैं। यदि आप भी किस्त का इंतज़ार कर रही हैं, मतलब आठवीं किस्त का इंतज़ार कर रही हैं, तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट प्राप्त होने वाली है, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक किस्त में कितना पैसा कब मिलने वाला है इसकी पूरी जानकारी सामने आ चुकी है। यदि आप भी किस्त का इंतज़ार कर रही महिला हैं, तो आपके लिए इस अपडेट को पूरा अंत तक जानना काफ़ी आवश्यक है। इस अपडेट के मुताबिक हम आपको बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सभी लाडली बहनाओं को किस्त का पैसा प्राप्त होगा, जो कि सीएम मोहन यादव जी द्वारा 10 जनवरी 2024 को ट्रांसफ़र किया जाएगा। यह स्पष्ट हो गया है कि आपके लिए किस्त का पैसा मिलने वाला है, मतलब 10 जनवरी को आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। अब कितने पैसे आपको इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले हैं, तो हम आपको बता दें कि सातवीं किस्त में आपके लिए 1250 रुपये की राशि भेजी गई थी। इसके बाद अब आठवीं किस्त में भी आपको 1250 रुपये की राशि का लाभ प्राप्त होने वाला है, जो कि हाल ही में बड़े अपडेट के मुताबिक बताया गया है। तो आपके लिए कन्फर्म तिथि में पैसा दिया जाएगा, मतलब 10 जनवरी 2024 को आठवीं किस्त का पैसा प्रदान किया जाएगा। तो अब आपके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ही दिनों बाद आपके बैंक खाते में यह पैसा प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐलान किए जाएंगे, जो कि आपको इस योजना के तहत और अधिक लाभ प्रदान करेंगे। तो आपको 10 जनवरी का इंतज़ार करना है, जब आपके लिए किस्त के पैसों के साथ बहुत बड़े ऐलानों से लाभ प्राप्त होगा। तो आप ऐसी ही अपडेट इस चैनल के माध्यम से लगातार देखते रहें, ताकि आपके लिए इस योजना से जुड़ी बड़ी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।